तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का पीआरके म्यूजिक क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे भजनों के बीच में जो म्यूजिक पार्ट दिया जाता है वो हम हारमोनियम पर बजाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्वरों की बात करें तो सभी शुद्ध स्वरों में हम ये म्यूजिक पार्ट बजाना सीखेंगे। जो स्वर हम प्रयोग में लेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, सा रे गा मा पा धा नी और सा। मंद्र सप्तक में नी धा और पा, इन स्वरों का हमें प्रयोग करना है। सबसे पहले मैं आपको म्यूजिक पार्ट बजाना सिखाता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इस म्यूजिक पार्ट को आप भजनों में किस तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। म्यूजिक पार्ट की शुरुआत होती है पा स्वर से। सबसे पहले आपको बजाना है पा धा सा और नी स्वर का आपको टच लेना है किस तरह से, उसके बाद में पा धा रे बजाना है। इसमें आपको सा स्वर का टच लेना है। अगर आप चाहते हैं तो आप कोमल रे का भी टच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से करना है, उसके बाद में तो तीन पार्ट में मैं आपको ये बजाना बता रहा हूं। सबसे पहला पार्ट रहेगा पा धा सा, उसके बाद दूसरा पार्ट पा धा रे, तीसरा पार्ट सा रे गा रे सा। तीसरा पार्ट जब आप बजाते हैं तो माँ को आपको टच के रूप में लेना है किस तरह से, सा रे गा रे गा रे सा। तो सबसे पहले आप तीन पार्ट में ये बजाना सीखेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से बजाना है, पा धा सा पा धा रे सा रे गा रे गा रे सा। इस म्यूजिक पार्ट को आपको दो बार बजाना है। उसके बाद में जो अगला फ्रेज है उसमें आपको गा से शुरुआत करनी है, गा मा पा धा मा पा गा मा पा नी धा पा। इसको भी आप दो पार्ट में सीख सकते हैं। पहला पार्ट रहेगा गा मा पा धा मा पा, दूसरा पार्ट गा मा पा नी धा पा। तरह से आपको ये पार्ट बजाना है। तो पूरा म्यूजिक पार्ट जो बजेगा उसमें सबसे पहले बजेगा पा धा सा पा धा रे सा रे गा रे सा। उसके बाद में इसका भजनों में प्रयोग कर सकते हैं वो हम जानते हैं। तो एक भजन के माध्यम से इस म्यूजिक पार्ट को किस तरह से प्रयोग करना है समझने का प्रयास करेंगे। जो भजन है वो कुछ इस तरह से है,
जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। ये स्थाई भजन की जब आप बजाते हैं उसके बाद में इस म्यूजिक पार्ट को बजाएंगे आप, दो बार आपको म्यूजिक पार्ट बजाना है। सबसे पहले भजन का स्थाई हम गुनगुनाएंगे, उसके बाद में ये म्यूजिक पार्ट आपको बजाना है। जो दूसरा पार्ट मैंने आपको म्यूजिक पार्ट का बताया था, गामा पा धामा पा गामा पा निधा पा, उसका आप अंतरे में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्थाई में जानते हैं किस तरह से प्रयोग करना है, उसके बाद में इसका भजन का जो अंतर है उसमें म्यूजिक पार्ट कैसे लगाना है वो जानते हैं। तो स्थाई शुरू होती है सा से। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उसके बाद में भजन का जो अंतरा गाते हैं उसमें हम दूसरा जो हमारा म्यूजिक पार्ट था उसका प्रयोग करेंगे। किस तरह से करना है? जिस माने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। अंतरे में दोस्तों म्यूजिक पार्ट किस तरह से लगाना है ये आप अच्छी तरह से और समझ लीजिए। जिस माने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। इतना गाने के बाद में म्यूजिक पार्ट बजाएंगे। गामा पा धामा पा गामा पा निधा पा जिस माने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। आपको बजाना है, उसके बाद में फिर से वापस अंतरा गाइए और जो दूसरा पार्ट था हमारा म्यूजिक पार्ट का उसको बजा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो शुद्ध स्वरों का भजन होता है उसमें आप इस म्यूजिक पार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेसन। कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।